आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। Dabu's calendar launch is something that the entire film industry looks forward to, and it's an absolute pride and joy and honor to be a part of it. And I wish you all the very best, Dabu. You're the best, and we love you all very much. आप शायद आप सभी जानते हैं कि मुझे खुद को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो जाहिर सी बात है जब मैं आता हूँ तो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ कि हर साल एक पहले जब हम फोटोग्राफ देखते थे प्रिंट होते थे अब वो कैनवस पे आ गए। आई वेरी बहुत एक्साइटेड हूँ और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग और लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस मगर दब्बू एंड मनीष किड्स द थ्री ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रेल वापस चल गई है और बहुत रुकी हुई थी बट बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को देख के, आप लोगों को देख के, कैमराज देख के एक्चुअली मैं थोड़ा बोर हो गया क्योंकि वो हर समय 24 घंटे आपके आसपास रहते हैं, बट आई थिंक इट्स अ मच बेटर फीलिंग कि लोगों को देख पा रहे हो, आप जो भी मन कर रहा है वो खा सकते हो और जब चाहो आप सो सकते हो जब चाहो। जी दब्बू रत्नानी हमारे मित्र और एक फैंटास्टिक फोटोग्राफर का साल का मोस्टली सबसे पहला फंक्शन होता है हर साल। इतने अफेक्शन से, इतने प्यार से सभी फैटर्निटी को इनवाइट करते हैं डब्बू और उनकी पत्नी मनीषा। उसके साथ साथ उत्सुकता होती है कि इस बार कैलेंडर किस प्रकार का शूट हुआ है। लोग तो वही होते हैं 10-12, तो मोस्टली शायद एक आधा ही कोई बदलता है वरना मोस्टली इट इज़ द सेम एक्टर्स। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दैट हाउ ईच ईयर डब्बू कम्स आउट ऑफ पीपल हु कम इन हिज कैलेंडर, आप उसे इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना प्यारा आदमी है और सबके कितना क्लोज है। आई थिंक बेटर है कैलेंडर और मोर ग्लैमरस है। एनी पर्टिकुलर फोटोग्राफर व्हिच यू लाइक? यू नो ही लाइक व्हेन मिस्टर बच्चन कम्स इन अ फ्रेम देन देयर इज नोबडी एल्स फॉर मी, सो ही इज ऑलवेज नंबर 1 एंड बाकी देन सब पीछे आ जाते हैं। सो मिस्टर बच्चन पिक्चर इज ऑलवेज द बेस्ट। आई थिंक बहुत हिट शो रहा बिग बॉस, बहुत मजा आया देखने में और अब वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए आई थिंक उसकी एनिबिलिटी भी ख़त्म हो जानी चाहिए, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। हमने प्रे किया था शिल्पा शिंदे जीत जाए, वो जीत गई। मुझे लगा था हीना साथ में खड़ी होगी, वो भी साथ में खड़ी रही। मुझे लगा था विकास थर्ड आएगा, वो भी आया। पुनीश ने कमाल किया, थैंक गॉड। शूटिंग फॉर दिस कैलेंडर एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई वुड गेट अ कॉल टू से हे सनी डू यू वांट टू बी इन इट अगेन, सो इट वाज रियली एक्साइटिंग। एंड माय शॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ वी हैड अ completely look, a completely different look, a completely different feel for the entire shot, and underneath like a bubble that you can't see through. So maine abhi dekha tha, kal dekha tha ki winner kaun hai. I'm sad that my friend Vikas didn't win, but I'm really happy for the winner of this season, and I hope that, you know, she like excels to another level now that she's out, and I hope she's recovering. Actually, I hope all the technology mein to bahut hi hai, technology every year improves, so your entire frame looks much more colorful or much more close ups, and he's basically, I think he's damn good at his job. So I just love the fact that
एक कैलेंडर बनता है जिसको आप बार बार देखो कैसे शूट किया होगा कैसे किया होगा, और एक एक बहुत ही क्लासी फील आती है डब्बू के कैलेंडर्स में, क्योंकि वो आई हैव सीन ऋतिक रोशन फॉलिंग फ्लैट ऑन द वाटर, आई हैव सीन अ ब्लू डर्टी कार एंड अ वाइट सूटेड अभिषेक बच्चन. तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इन डब्बूज कैलेंडर द स्टार दैट इज ऑलरेडी गुड लुकिंग इज द बेस्ट लुकिंग ऑफ हिज एंटायर ईयर, द बेस्ट ही लुक्स इज दैट पिक्चर. I think what really stands out for me is that in his photography, both shine out. You know, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार इतना बड़ा है कि आप इंटिमिडेट हो जाते हो कि नहीं नहीं जो भी स्टार बोलेगा वो ही फोटोग्राफर अक्सर करता है. बट इन दिस यू कैन मेक आउट दैट देयर इज इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉट ओनली द स्टार, बिकॉज ऑब्वियसली हिज लुक्स एंड हीज वर्कड ऑन हिज लेट्स से व्हाट ही इज गोइंग टू बी वेयरिंग एंड हाउ ही इज गोइंग टू पोर्ट्रे हर लुक. लाइक इवन प्रियंका चोपड़ा, देयर वाज वन पिक्चर ऑफ हर लास्ट ईयर वेयर शी वाज यू नो टोटली विद हर टीथ आउट एंड हर हैंड्स आउट. So you can see that he is also, the actress has also lent her emotions and all to the picture. But you can see that Dabbu, obviously being an ex-photographer, he has taken the best shot out of that. We just love his work. Yeah. Superb. All the best. Yeah. And you can see it every day. I mean, if you're seeing the calendar, you don't get bored of it. And Hirota is making the debut on the launch. Yes, yes, I think she's making the first time I'm coming, so I have to go and see. For me, it was a very different experience because this is something which I've not done before. And this year I'm debuting in his calendar, so it's very exciting. I've been following his calendar shoots, so I think it was very interesting for me to do it. को मनीषा को उनके पूरी परिवार को बधाई देना चाहूँगा. डब्बू रानी कैलेंडर जो है साल में एक बार आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत धमाकेदार तरीके से आता है. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. वेरी प्राउड कि ये शायद इट्स माय 19th ईयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद डब्बू, एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट. एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्हें मैं बचपन से जानता हूँ, हम एक साथ स्कूल में पढ़े थे, और आज जाके उन्हें इस मुकाम पर देखने को मुझे मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. वी शॉट सेपरेटली सुमित, तो एक साथ तो हम लोग ने किया नहीं था, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है डब्बू के साथ शूट करना. हाय सॉरी एब्सोल्युटली यू नो इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर व्हेन यू स्टार्ट विद डब्बू रत्नानी. सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड फॉर ऑल द एक्टर्स दैट आर फीचर्ड इन इट. सो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट. We finally got him in front of the lens. Yes, he hesitates to come in front of the lens, but he's lost a lot of weight. He's looking great. So maybe next calendar we should shoot him. Yeah. क्या कि आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं. डब्बू रत्नानी जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे फोटोग्राफर तो हैं ही, वो तो उनकी करनी से लगता है. मगर उनके लिए जब भी उनके इवेंट पर आता हूँ तो दिल से लगता है, और इसीलिए उन्होंने जितनी भी तस्वीरें खींची होती हैं, हर इंसान अपना जीवन का एक छोटा सा अंश उन तस्वीरों में कैद करके देता है. वो खासियत तस्वीर खींचने वाले की नहीं है, उसके पीछे जो दिल है उसकी है. तो आई थिंक इसलिए डब्बू रत्नानी मेक्स इट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फोटोग्राफर. बहुत अलग है वो टेक्निक, हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है. दिस ईयर अगेन बट डब्बू हैज़ एक्सेल्ड, ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब. दिस ईयर आई थिंक ही इज़ गॉट मोमेंट्स इवन बेटर एंड यू नो मच ब्राइटर मोमेंट्स कैप्चर देन वॉट ही इज़ डन इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स. And each moment is worth a keep.